गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मामा सुपर किड्स। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जिससे बच्चों को हम बहुत ही फन वे में कुछ नया सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि बच्चों को किस तरीके से हम शेप के बारे में बता सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के बारे में, नंबर्स के बारे में, इवन फोनिक के बारे में भी किस तरीके से सिखा सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी की किस तरीके से हम घर की छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट शेप के बारे में बता सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि एक ट्रे में मैंने बहुत सारे शेप को मिक्स करके रखे हुए हैं, जैसे कि हार्ट शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, और इन सारे शेप को सुइयों को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए बहुत ही इसे ईजी बनाने के लिए मैंने उसके सामने रख दिया है डिफरेंट शेप के केक पैन, जैसे कि हार्ट शेप, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अगर आपके पास डिफरेंट साइज के केक पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं मोस्टली घर पे बच्चों के लिए केक बनाते रहती हूँ और इन सारे केक की रेसिपी आप लोग के साथ में भी शेयर करती हूँ, इसलिए मेरे पास केक पैन के कलेक्शन है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकती है। सारे शेप के डिजाइन आप चौक के हेल्प से फ्लोर में बना सकती है और बच्चा बहुत ही आसानी से इन सारे घर की छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट शेप में शॉर्ट करता जाएगा। ओके, सो यू आर यू डन? ओके, अब बताओ ना ये कौन सा शेप है? आई एम थिंकिंग हार्ट शेप। यस, इट्स अ हार्ट शेप। वाओ, अपने हार्ट शेप में क्या क्या रखा? लेट मी सी। यस, वेरी गुड, यू आर डन। ये कौन सा शेप है? सर्कल। यस, सर्कल में क्या क्या आया ऑब्जेक्ट? वेरी गुड, आपने सर्कल भी एकदम राइट किया। ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। यस, इट्स अ रेक्टेंगल, यू आर राइट। ये रेक्टेंगल है? नो, इट्स अ स्क्वायर। यस, हाँ, ये तो सुयोग ने बिल्कुल करेक्ट किया। अच्छा, ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। यस, आपने बाय मिस्टेक वहां कर दिया था। ओके, इट्स ओके, सुयोग तो राइट हो गया। ये भी स्क्वायर, वाओ। ओ, सुयोग के पास तो बहुत सारे स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर में ड्रॉ कर लिया है लीफ का डिजाइन, इसमें मैंने कुछ राइट किए हुए हैं नंबर्स इस तरीके के, 1 to 10 मैंने नंबर राइट किए हुए हैं, जहां तक सुयोग को आता है, अगर आपके बच्चे को ज्यादा आता है, या फिर 1 to 5 आता है, सिर्फ वहां तक की ही काउंटिंग आप राइट करिएगा। और ये रहे पेटल्स, तो यहाँ पे मैं सुयोग को नंबर देते जाऊंगी सेंटर में और सुयोग उतने ही पेटल्स इस फ्लावर में लगाता जाएगा। बेटू, यहाँ पे मैंने कौन सा नंबर दिया आपको? कितने पेटल्स लगेंगे यहाँ पे? 6। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट गेम हम प्ले करने वाले हैं वो है मेमोरी गेम। इसके लिए मैंने कुछ कार्ड्स में अपर केस और लोअर केस राइट करके रख दिए हैं। अब सुयोग, और इसे मैंने फ्लिप कर दिया है, आप देख सकते हैं, अब सुयोग यहां से लेटर फाइंड करेगा और देखेगा कि कौन सा लेटर किस में है और उसे लेटर को मैच करना है। देखते हैं कि उसकी कितनी सारी मेमोरी है। कोई सा भी एक कार्ड उठाओ और उसका ट्विस्ट करके देखो किसमें कौन सा लेटर है। एच है उसमें। अब दो लेटर को फाइंड करना है, देखो किसमें अपर केस एच है। ये तो एस हो गया, याद रखना कहाँ पे एस है, कहाँ पे एस लिखा है, कहाँ पे एस है। हाँ, अब उसको मैच कर सकते हो, वेयर इज द लेटर एस। यस, यू गॉट 2 S। चलो, तो सुयोग ने 2 लेटर एस फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट, अब सेम कार्ड को यूज करते हुए सुयोग यहाँ पे अपना नेम राइट करेगा। वेरी नाइस, ये तो लोअर केस हो गया ना बेटा, आप तो अपर केस में कर रहे थे। मम्मी ऐसे फ्लिप कर दे, आपका हेल्प कर दे फ्लिप करके। ओके, आपने राइट कर लिया अपना नेम? बताओ आपका नेम, स्पेलिंग क्या? यू। वेयर इज यू? हाँ, अब बताओ। F U Y O
जी। वेरी गुड। अब लोअर केस में बता दोगे क्या बेटो? नेक्स्ट गेम हम करने वाले हैं पॉप्सिकल स्टिक नंबर विथ क्लॉथ पिन। हाँ, तो सुयोग ने स्टार्ट भी कर दिया है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है सुयोग? सेवन नंबर है। अब सुयोग यहाँ पे सेवन क्या लगाने वाला है? क्लॉथ पिन। क्लॉथ पिन पॉप्सिकल स्टिक में लगाओगे ना? हाँ, और आप देख सकते हैं जब क्लॉथ पिन को बच्चे पकड़ते हैं तो उनकी ग्रिप भी बनती है इस तरीके से, तो बहुत अच्छा एक्टिविटी हो जाता है बच्चों के लिए, तो बहुत इजी मार्केट में अवेलेबल है। तो अब इस टाइप से बच्चों के लिए क्लॉथ पिन लेके आ सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मैंने नंबर राइट करके रखे हुए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, आपने 8 किया, और ये कौन सा नंबर है? 8। ये 8 नंबर है? नहीं। कौन सा नंबर है? सेवन नंबर ना। सो वी नीड ओनली सेवन क्लॉथ पिन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 डन। हाँ, अब बताना ये कौन सा नंबर है? वाओ, तो यहाँ पे सुयोग ने किया नंबर 5 3 and 7। ओके, अब ये कौन सा नंबर है बता दो? फोर। अच्छा, हाँ, सुयोग अब 4 year का होने वाला है, तो सुयोग बहुत एक्साइटेड है वो जब नंबर 4 देखा तो, है ना? इसने धीरे से मुझे कहा कि मम्मा बता देना कि ये नंबर 4 है और सुयोग होने वाला है 4 year। नेक्स्ट हम प्ले करने वाले हैं सॉल्ट ट्रे राइटिंग एंड फोनिक प्रैक्टिस। ये बहुत अच्छा एक्टिविटी हो जाता है अगर बच्चा प्री स्कूल में है या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है, बच्चे को फोनिक सिखाने के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। बच्चा अगर छोटा है तो ये उसके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसे कैसे प्ले करना है वो बता देती हूँ। पहले आप देख सकते हैं एक कार्ड रखा हुआ है, और ये जो पिक्चर बने हुए हैं इस कार्ड का वो मुझे सुयोग को दिखाना है, लेकिन हाँ ये जो नीचे में उसके नाम लिखे हुए हैं वो मैं हाइड कर दूंगी। अच्छा, आपको पता चल गया बैक साइड से दिख गया? हाँ, तो सुयोग को पता चल गया क्योंकि यहाँ पे बैक साइड में भी पिक्चर है, तो नो चीटिंग। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये जो नाम है उसका उसको हाइड कर दूंगी, और सुयोग से पूछूंगी विच एनिमल इज दिस, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रहा या जो भी पिक्चर बनाया उसके बारे में पूछूंगी। अब सुयोग को ये पता नहीं चलेगा कि इसका बिगनिंग वर्ड क्या है, और वो साउंड मेक करेगा, जैसे कि ये काऊ है तो उसको साउंड मेक करेगा, और वो नाम इस ट्रे में राइट करेगा। तो अगर आपके पास बिना नेम वाला है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप किसी भी चीजों से हाइड कर सकते हैं। और सुयोग फिर से आके देख लिया? अच्छा, नहीं देखा। अच्छा, कुछ लेने गया था। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पिक्चर रख दिया। अब लेट्स सी सुयोग देखते हैं कि इस पिक्चर को पहचानता है कि नहीं, और इस लेटर से स्टार्ट होता है वो देखते हैं। होप सो मैं आपको समझा पाई होंगी कि ये किस तरीके से गेम प्ले करना है। अगर नहीं समझ आया तो अगर आप इस गेम को देखेंगे तो डेफिनेटली समझ जाएंगे। नहीं देखा तो ओके, कैन यू राइट? लेट अस सी। यस, अब मैं सुयोग को देने वाली हूँ ये वाला लेटर। लेट्स सी सुयोग बता पाता है कि नहीं। ये नहीं है, अभी देखना। Which animal is this? Dog. Dog begin with which letter? D. Can you write? इसको पहले शेक तो कर लो। लगता है इसके लिए मैं कुछ ज्यादा इजी दे रही हूँ। कोई नहीं, अब मैं नेक्स्ट देती हूँ, अब थोड़ा सा हार्ड देती हूँ। अब मैं सुयोग को देने वाली हूँ ये वाला लेटर। लेट्स सी सुयोग बता पाता है कि नहीं। हाँ चलो बताओ। कैसे राइट करेंगे बताओ? एस। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे और बनाना चाहिए था। अब मैं ये देने वाली हूँ, सुयोग ने इसके बैक साइड नहीं देखा है। व्हाट इज दिस? कैन यू टेल मी? बी। यस, वेरी नाइस।
होप सो गाइस आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले। इसके अलावा इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ में, ताकि उन्हें भी इन सारे एक्टिविटीज के बारे में पता चल सके। अगर मम्मा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले बच्चों के एक्टिविटीज, बच्चों के हेल्थ टिप्स, जो पर्सनली मैं अपने बच्चों के साथ में फॉलो करती हूँ, साथ में बहुत ही हेल्दी रेसिपीज, बच्चों के लंच बॉक्स के आइडियाज, सब कुछ आपको इस चैनल में मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।